नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे नेता जिन्होंने रातों रात कांग्रेस का खेल खत्म कर दिया, जिन्होंने कमलनाथ की सरकार गिरा दी मध्य प्रदेश में। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद बढ़ते गए, जिस तरह से उनका ओहदा बढ़ते गया, वो काबिले तारीफ रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की जिम्मेदारियां उनके सर पे है। शिवराज चौहान जहाँ पे चूक होते हैं वहां पे बजबते वो अपने आप को जो है खुद को मौजूदगी पाते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। कल हमने आपको बताया था कि ड्रोन को लेकर जो नई टेक्नोलॉजी है उससे कैसे भारत आत्मनिर्भर होगा, कैसे देश तरक्की की ओर जाएगा, इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबोधित किया बीजेपी नेताओं को और वो वाकई भी हमने बताया था। लेकिन एक और जिम्मेदारी मिली है, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो ये है कि इलेक्शन कमेटी में भी अब इन्हें शामिल किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर जितना नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के तमाम दिग्गज चिंताजनक है, उससे भी ज्यादा जो है लोगों की निगाहें ज्योतिरादित्य सिंधिया पे है। क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद उनके खत्म होने के बाद बीजेपी की सरकार जो आई है, तो उसमें ज्यादातर जो योगदान माना जा रहा है वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तो हम लोग लगातार देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे, जिस अहदे के लिए, जिस पद के लिए वो बार बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से गुहार लगाते थे, उनकी सुनी नहीं जा रही थी। लेकिन बीजेपी में आने के बाद उनका बल्ले ही बल्ले है, चाहे उनका हो या उनके बेटे का, तमाम लोगों को जो है कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जा रही है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर जो हम आप दर्शकों को बता रहे हैं कि फिर से उन्हें इलेक्शन की कमेटी में जो है शामिल कर लिया गया। तो हम सब देख रहे हैं कि लगातार उनका कद बढ़ता ही जा रहा है। इसे साफ जाहिर है कि मध्य प्रदेश के लिए जितना शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा जी और उससे भी ज्यादा जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया इंपोर्टेंट है, खास करके बीजेपी के लिए। देखते हैं कि आखिर चुनाव में क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने इंपोर्टेंट साबित होते हैं। कल की तरह ही बैठक होती है।